किया जाता है, तो रीप करते हैं तो रीप होता है चार कलर में, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम लोग Q&A रखते हैं, ठीक है। आपका कुछ कमेंट आया हुआ, वो एक दो को कमेंट है, उसका जो कि जवाब देंगे, या कुछ है जो कि अपना मन के बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मन थोड़ा भारी भारी लग रहा है ढेर दिन से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा अपना दिल के बात इस Q&A में रखते हैं, ठीक है। पहला बात तो कि जो अभी माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में है जो कि जो भी है इसको भगवान से मनाइए, खुदा अल्लाह सबसे मनाइए कि ये जितना जल्दी ये सब खत्म हो जाए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अपने आप का और अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ठीक है। और उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आप है जो कि आप अपना खुद का ख्याल रखते रखते आप इस टाइम को कैसा ख्याल रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस टाइम को आप किस तरीका से यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हम इस टाइम को सही उपयोग कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? ये क्वेश्चन भाइयों एवं बहनों आप लोगों से है, क्या ये टाइम का आप उपयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करिए। कितने लोग बहाना मारते थे, कितने लोग कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, खुद हम भी कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, हम वो टाइम निकाले हैं, वो टाइम दिए हैं, हम वो चीज ये थी किया है कि ड्यूटी करते थे, ड्यूटी करके आते थे, अब बस वहीं से नेट अपना फ्री रहता था, मोबाइल में भी रहता था, एथी में भी, बस दो चार भी थी, क्या बोलता है, वेब सीरीज फिल्म डाउनलोड करके लाते थे, रोज देखते थे, सोते थे, चल रहा था जिंदगी। एक दिन एकाएक अंदर से थॉट आया, क्लिक किया, आखिरकार क्या कर रहे हैं, क्या लाइफ में यही चलेगा, इतना से काम चल जाएगा, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी ये वो, इससे काम चल जाएगा? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम डिसीजन लिए कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो ये कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये चीज कर रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि सीखने का हम अपने आप में जिज्ञासा मेरा उठा हुआ है। आज नहीं, ये आज जो ये कहानी बता रहे हैं, ये जो YouTube चालू हुआ, ये इस समय से नहीं, उससे पहले से भी मेरा जिज्ञासा था सीखने का। तो हम सोचे क्यों ना ये सीखने का जो मेरा पैशन है, इसी को हम क्यों ना सही ढंग से फॉलो करें। तो बस इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, इसी को फॉलो ये कर रहे हैं कि अभी ये इसी माध्यम में मेरा ये YouTube चैनल भी आ गया है। इसमें आ गया कि हम जैसे अभी कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो मेरा है जो कि जो भी कुछ एक्सपीरियंस होता है डिजाइनिंग के रिलेटिव, कुछ कंप्यूटर के रिलेटिव, वो है जो कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं, आप लोग का भी कमेंट आता है, मेरा भी फीडबैक मिलता है। और इसके साथ साथ आप लोग भी जैसे वीडियो देखते हैं तो आप लोग को अच्छा लगता है, तो आप लोग लाइक किया कीजिए, उससे जो कि मोटिवेशन मिलता है, उससे अच्छा लगता है कि नहीं भाई लोग जो कि देख रहा है उन लोग को अच्छा लग रहा है। थोड़ा दिल से थोड़ा आप लोग लाइक कीजिए, उसके अलावा कुछ कुछ प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिए, काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप ही लोग के लिए ये सब करते हैं, तो ये सब चीज करने से आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, कुछ सीखते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करते हैं तो काफी आपको मजा आता है, ठीक है ना। अभी दो क्वेश्चन आया हुआ, तो ये हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो आप टाइम को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, तो हमको मजा आता है, कुछ सीखते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम को सही इस्तेमाल कीजिए। जानते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम एक रूम में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम, मेरा भी शौक था कि लॉकडाउन हुआ या बंदी है तो हम अपना गाँव चल जाए, हम अपना घर चल जाए, वहां पर जाकर के हम परिवार के साथ रहें, खाना मिल जाता, बने बनावल खाना खाते और घूमते फिरते, ठीक है। बच्चे घर में दो भतीजा है, उसके साथ खेलते, भाभी हैं, मजे करते, है ना, पूरा परिवार है, उनके साथ खेलते कूदते। मगर नहीं, हम ऑप्शन चुने कि नहीं, मेरा भाई लोग के लिए वीडियो बनाना है, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास सिस्टम ही है, तो इसको तो इतना बड़ा उठा करके ले जाएंगे नहीं, ठीक है। उसके अलावा हमको ये लगा कि नहीं भाई, कम से कम जो कर रहे हैं उसको नहीं छोड़े, क्योंकि अभी यहाँ पे रहेंगे तो हमको दो फायदा, पहला फायदा तो कि हमको पढ़ने का टाइम मिलता है, ठीक है, हमको टाइम मिलता है, हमको मेहनत होता है थोड़ा खाना बनाने का, ये वो, ठीक है ना, थोड़ा अपना ज़्यादा मेहनत हो जाता है, मगर उसके अलावा जो कि जो टाइम मिलता है कम से कम सही उपयोग तो हम करेंगे, घर पर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो कि हम यहाँ रुकने का डिसीजन लिए हैं, ठीक है। हम आपको कहते हैं कि आप पहले अकेले रहना सीख लीजिए, उसके अलावा जो कि सब कुछ हमको लगता है कि होना स्टार्ट हो जाता है।
कुल मिलाकर हमको कहने का मतलब है कि जो अभी आपको टाइम मिल रहा है वो टाइम को आप उपयोग कीजिए। मेरे चैनल पे जो वीडियो आया है वो उसको आप देखिए, कुछ किताब पढ़िए, जरूरी नहीं कि मेरा ही किसी का ही वीडियो देख सकते हैं जो सीखने लायक हो। ये नहीं, यूट्यूब पर तो बहुत कुछ मिलता है, टाइम पास वीडियो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो हम नहीं कहेंगे कि वो देखिए, हम नहीं कहेंगे कि आप मूवी देखिए। देखना ही है तो कुछ ऐसा देखिए कि ढंग के कि आपको आने वाले समय में कल के लिए आप अपग्रेड हो सके, उससे आप तैयार हो सकते हैं, ठीक है ना, बाउंस बैक कर सकते। तो इस तरीका से आप कुछ बुक पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ लर्निंग का, कुछ डिजाइनिंग का, कुछ भी जो आपको फील्ड है उस फील्ड में आप कुछ कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीका से कर सकते हैं, इस तरीका से आप टाइम को सही मायने में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ अपना मन में जो हम सोचे कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करते हैं, कि आप लोग भी ये चीज अप्लाई कीजिए अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो टाइम को सही मायने में उपयोग कीजिए, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, जो भी जब आप स्टार्ट कर दीजिए तब से अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो टाइम कभी अच्छा नहीं होता कि अच्छा टाइम आएगा या वक्त आएगा तो हम ये चीज करेंगे, नहीं, जब से आप स्टार्ट कर दीजिए तब से जो कि आपको टाइम अच्छा हो गया, वक्त स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो कि चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना कमेंट की ओर। सुशांत मसीरकर, ठीक है, इनका कमेंट था कि सर ऑफसेट मल्टी कलर की चार सीट अलग अलग कैसे बनता है जब भी फोटो में मिक्स कलर होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन सही है, मान लीजिए कि आपका जो शरीर है, ठीक है, ये शरीर चार कलर से बना हुआ, पांच जो कहता है ना कैसे कि पांच धेती से बना हुआ, उसी तरीका से जो कि कलर जो ये जो फोटो जब खींचाता है तो ये मान लीजिए कि ये चार कलर में हो जाता है, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन का मतलब होगा कि जैसे आप कोरल ड्रा में आप सेपरेशन करते हैं, जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू करते हैं ना, जैसे कि कोरल में जाते हैं किसी चीज को आप खोलते हैं उसको जो कि प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करके उसके बाद सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन करके श्याम मैजेंटा येलो ब्लैक में करते हैं, ठीक है। उसी तरीका से है जो कि आप जो भी फोटो बुक जो भी चीज एनीबॉडी पोस्टर जो भी चीज होता है उसको अगर आप कोरल में ला करके पीएस या पीडीएफ बना करके उसको जब नेविगेटर पर जाकर के जब रिप किया जाता है तो रिप करते हैं तो रिप होता है चार कलर में, श्याम मैजेंटा येलो ब्लैक, क्योंकि वो होता है मल्टी कलर, मगर जब वहां पे जाकर करीब होता तो सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, वही सियान मैजेंटा येलो ब्लैक जो है आपको कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो ये जो एक फाइल होता है वो है जो कन्वर्ट होकर के सियान मैजेंटा येलो ब्लैक में यानी टीफ के रूप में ले लेता है, ठीक है, उसको टीफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वही चीज चार कलर अलग अलग सेपरेशन होकर के वो प्रिंट होता है, यानी कि उसको प्लेट निकलता है, प्लेट निकलने के बाद ऑफसेट पे प्रिंटिंग के लिए जाता है, ठीक है। जो भी एक इमेज या जो भी एक फोटो है उस फोटो को आप सेपरेशन कर सकते हैं, या तो आप कोरल में भी आप कभी करके देखे होंगे, या कभी कोरल ड्रा या इस वन में आप जब प्रिंट मारते हैं तो प्रिंट मारने के बाद आपको ऊपर में ऑप्शन दिखाता है, हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है प्रिंट का, ठीक है ना, सेपरेशन का। सेपरेशन जब आप करिएगा तो यहाँ पे सियान मैजेंटा येलो ब्लैक आपको दिखाएगा, ठीक है, और वहां से जो कि आपको पता चल जाए कि सियान अगर एक फोटो है तो उसमें से सियान कितना मैटर है, ब्लैक का कितना मैटर है, मैजेंटा का कितना मैटर है, येलो का कितना मैटर है, ठीक है। तो समझ गए, इस तरीका से होता है, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है अरिंजय दत्त तिवारी करके हैं, ठीक है, इनका कमेंट है कि भाई बर्ड को कोरल ड्रा में कैसे करें बिना फॉर्मेटिंग खराब किए या करें, ठीक है। इसको इस तरीका से कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरा चैनल पे आप जा करके ऊपर नीचे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी काम का वीडियो है सब है जो कि बना करके डाले हुए रहते हैं, अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं उसको जो कि हम बना करके डालेंगे, ठीक है, हम पूरा 100% अपना देते हैं, ठीक है ना। तो इस पे जो कि वीडियो बना हुआ है अगर आपको इसमें भी अगर आपको गड़बड़ है तो आपको एक चीज और हम आपको बताते हैं, देखिए इसको दो तरीका से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड में अगर आपका फाइनल पूरा फाइनल जो बर्ड में जो फाइल है या बर्ड में जो आपका फॉर्मेट है वो फाइनल अगर मोड में है प्रिंटिंग के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो उसको है जो कि अगर आप कोरल में लाना चाहते हैं तो उसको सिंपल है, आप उसको पीडीएफ बनाइए, ठीक है, एडोब या कुछ भी आपको एडोब V7 करके भी आता है उससे भी आप पीडीएफ बना सकते हैं, पीएस भी बना सकते हैं, दो तरीका पीएस और पीडीएफ दोनों बना करके उसके बाद आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं कोरल में इम्पोर्ट कर सकते हैं, कोरल में ओपन भी कर सकते हैं, दोनों तरीका से कोरल में आ जाएगा। उसके अलावा एक तरीका और है, अगर आपको टेक्स्ट मैटर अगर आपका पीडीएफ अगर आपका बर्ड का फाइल है उसको आप टेक्स्ट लाना चाहते हैं डायरेक्ट, उसको भी है जो कि आप पीडीएफ बना करके आप इसको ओपन कर सकते हैं कोरल में, आप कोरल में ओपन करते समय जो कि आप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको ऑन कर लेना, उसके बाद आप ओपन कर लीजिएगा तो आ जाएगा, हाँ कुछ फॉन्ट अगर भागेगा तो उसको आपको मिला लेना। उसके अलावा जो कि एक तरीका और है, अगर आपके पास बर्ड का फाइल आता है उसमें से अगर आपको आता है कि नहीं आपको डिजाइन बनाना है तो वहां से जो कि आपको कॉपी करके आप यहाँ पे ला करके पेस्ट करके भी इस तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज में आ जाएगा और वहां से जो कि आपको टेक्स्ट भी आ जाएगा, ठीक है।
ये तरीका हो गया। अब जिस तरीका से आपका लग रहा है कि आप एज इट इज बगैर फॉर्मेट खराब किए हुए आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कि सिंपल आप पीडीएफ बना लीजिए, वर्ड को पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना करके आप इंपोर्ट कर लीजिए या ओपन कर लीजिए कोडल में, ठीक है। तो इस तरीका से आप वर्ड से कोडल में ला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नहीं होगा तो फिर आप हमको दोबारा कमेंट कीजिएगा, उस पर जो कि हम आपको विशेष से जो कि हम आपको बता देंगे। मगर वही है जो कि 2 से 3 तरीका से जो कि आपको लाना है, बस लाते समय जो कि पीडीएफ बनाते समय, पीएस बनाते समय कुछ आपको सेटिंग का आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपको दिक्कत होगा तो वहां पर है जो कि आपको हो सकता है कि आने में दिक्कत हो, मगर आता है तो आने का वही 2 तरीका है, ठीक है, जो शायद हम अपना वीडियो में बताए हुए आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा किस किस तरीका से जो कि आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ सवाल मेरा और आपका जो शेयर किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी, आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अभी इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पे जो किसी तरीके का जो कि ग्राफिक्स और कंप्यूटर से रिलेटिव आपको यहाँ पे और टेक्निकली आपको ऑनलाइन ये सब के बारे में आपको यहाँ पे वीडियो मिलते रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कब भी।